ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए टाइप करें विस्फोटक न्यूज, सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा का आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। दिल्ली पुलिस ने मांगी 10 दिन की कस्टडी। पुलिस ने उसके बारे में सूचना देने वाले को 1,00,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया था। दावा किया गया था कि दीप सिद्धू ने किसान ट्रैक्टर रैली और हिंसा के दौरान भीड़ को उकसाया गया था। देश में पिछले 24 दिनों में 60,00,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। इसी के साथ भारत इतने कम समय में 60,00,000 से ज्यादा टीके लगाने वाले देशों में सबसे पहले स्थान पर है। अमेरिका ने 60,00,000 टीके लगाने के लिए 26 दिन लगाए, जबकि ब्रिटेन ने 46 दिन लगाए। कोविड-19 के घटते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने अपने 6 अस्पतालों को पूरी तरह से नॉन कोविड हॉस्पिटल घोषित किया है। इसके साथ ही 5 सरकारी अस्पतालों में आरक्षित कोविड-19 बेड्स की संख्या को कम करने का भी निर्णय लिया गया है। आदेश के अनुसार जिन अस्पतालों को पूरी तरह से कोविड-19 मुक्त घोषित किया गया है वो गुरु तेग बहादुर अस्पताल, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, दीपचंद बंधु अस्पताल, संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल, आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल और एसआरसी अस्पताल हैं। देश के सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य होने जा रहा है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने साफ कर दिया है कि सरकार अब फास्टैग की डेडलाइन बढ़ाने वाली नहीं है। ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक अपने वाहनों पर फास्टैग नहीं लगाया है वे जल्द से जल्द अपने वाहनों पर फास्टैग लगा लें, नहीं तो 15 फरवरी के बाद आपको दोगुना टोल देना होगा। बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर और रणधीर कपूर के भाई राजीव कपूर का आज दोपहर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 58 वर्षीय राजीव कपूर की मौत हार्ट अटैक के चलते हुई है। उनके निधन से न सिर्फ परिवार बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। राजीव कपूर ने हिंदी सिनेमा में बतौर एक्टर, प्रोड्यूसर और निर्देशक काम किया था। इसके अलावा फिल्म राम तेरी गंगा मैली में राजीव ने लीड रोल प्ले किया था। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से आई तबाही के बाद अब पूरा फोकस राहत बचाव के काम पर है। सबसे बड़ी मुश्किल तपोवन की टनल में आ रही है, जहां करीब 35 लोगों के फंसे होने की आशंका है। सुरंग कीचड़ से भरी हुई है, ऐसे में अंदर जाने में काफी मुश्किलें हैं, लेकिन रेस्क्यू करने वाली टीम अभी भी मिशन में जुटी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चमोली में आपदा में प्रभावित सीमांत गांव रैणी और लाता जाकर वहां की स्थिति का जायजा लिया। सीएम ने कहा कि चमोली में आई प्राकृतिक आपदा को लेकर हमारी सरकार बेहद संजीदा है।